एक दिन में नहीं होता और ना इंडिया ने एक दिन में किया है। बिल्कुल ऐसे और ये 1990 का इंडिया का प्लान है। हमारा बच्चा जो भी पैदा होता है उसे परवरिश इस तरह की मिलती है, ग्रुप्स बने हुए हैं हमारी जो कार्य करने जा रहे वो ये कि जो इंडिया के एक सिख हैं उन्हें जो है ना वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया जा चुका है और ये जो बाइडन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने बनाया उन्हें। मुझे बताया उनका अजय बंगा उनका नाम है, इस पर क्या कहेंगे अगर हम बात करें यूके के, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक वो भी एक इंडियन है। अगर हम बात करें आईटी डिपार्टमेंट में यूके में जो जो प्राइम मिनिस्टर है और सॉरी आईटी की जो चेयरमैन है वो भी एक इंडियन है, वो भी एक फीमेल है। निकी हैले जो अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में 2024 में उनकी अनाउंसमेंट होगी वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही, इस पर क्या कहेंगे आप? हर जगह इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है। देखिए जी, इंडिया का सबसे पहले तो आपको पता ना कि वो हमसे आगे निकल चुके हैं, वो हर चीज़ में हम आगे निकल चुके हैं। और हमारा इधर वो सिस्टम नहीं है। हमारा जो बंदा इधर से जाता है हम उसको ऑन ही नहीं करते, अगर ऑन करें भी तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं कि ये दो नंबरी का पैसा लेके बाहर चला गया या इसको दो नंबरी का ये चक्कर है, वो उसको ऑन करते हैं। वो अब जो यूके का वज़ीर आज़म है वो भी है, इंडियन है, हालांकि उसका जो दादा था ना वो इधर गुजरांवाला का था। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, राइट। उस हमने उन्होंने पता नहीं परदादे से उसकी ले लिया शनाख्त तो अपना उन्होंने डिक्लेयर कर लिया, लेकिन है वो हमारा था, लेकिन हम नहीं कैश नहीं करा सके तो हम ऐसी है कौम यार, हम नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम अपनी लड़ाइयों से ही नहीं बाहर निकल रहे तो हम क्या करेंगे। कब तक देखे हमारे क्यों नहीं अवाम वहाँ बाहर जाते, हमारे अवाम के माइंड में ये होता है हमने जाकर लेबर करनी, लेबर के जॉब करनी, वो ये माइंड में क्यों नहीं चीज़ें कि हम ऐसी चीज़ें देखें, हम यहाँ को चेयरमैन किसी भी डिपार्टमेंट में चेयरमैन बने या प्रेसिडेंट बने, इस चीज़ों क्यों नहीं तैयारी करते? सर ये एक दिन में नहीं होता और ना इंडिया ने एक दिन में किया है। बिल्कुल ऐसे ही ये 1990 का इंडिया का प्लान है कि हमने क्या करना है, हमारी जो बाहर जाएंगे लोग वो कैसे जाएंगे और क्या करेंगे। मसलन उनका एक इलाका है ना, उधर पहलवान है ज्यादा लोग, तो उन्होंने कहा है कि हम इस इलाके के लोगों को गार्ड के तौर पर बाहर भेजेंगे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ठीक है, उन्होंने यानी कि कैटेगराइज कर दिया। वो आज नहीं किया, आज से 30 साल पहले किया है कि हम हुनरमंद हैं तो उसको किस मुल्क में भेजना है, और अगर बेहुनर को तो भेजना ही नहीं ना, ताकि हमारी रेपुटेशन ना खराब कर। हाँ, हमारा तो अभी प्लान ही नहीं, जो प्लान बनाएगा उसके खिलाफ देख रहे हैं दुनिया में हर जगह इंडिया राज करके। आने वाले 3 सालों में आप पाकिस्तान को किस तरह देख रहे हैं, इंडिया को किस तरह देख रहे हैं? यार इंडिया का तो मैंने कल ही एक सुना है ना, उनका एक वजीर जो था ना वो ट्रांसपोर्टेशन का, वो कह रहा है 2024 या 2025 तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर अमरीका के मुकाबले में बना देंगे, जो सड़कें रोड वगैरह है ना वो अमरीका। मैं कहता हूँ अमरीका के मुकाबले में ना बनाए, उसका जो दावा आप चेक करें अगर 10% भी अमरीका के बना जाए तो वो तो इंडिया हमसे आ गया। अभी मैं कल एक और रिपोर्ट पढ़ी है कि 80 एयरपोर्ट उधर बन रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, हमारे मुल्क में यहाँ टोटल नहीं है 10-20 एयरपोर्ट है, तो वो उनसे हमारा अभी मुकाबला नहीं है। अभी हमने अपना पेपर वर्क करना है, उसके बाद अभी हमने कौम को इस हिसाब से लगाना है कि काम करने वाला जो बंदा होता है ना उसको काम करने दिया जाए। कब तक ऐसा होगा, कब तक ऐसे होगा कि इंडिया को प्रेफर कर किया जाएगा, पाकिस्तान को गिराते जाएंगे, इंडिया प्रेफर होता जाएगा पाकिस्तान को, इस कब तक ये चलेगा? अब तक ये हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है, और जिसका जो काम है वो काम नहीं करेगा उस वक्त तक ऐसे ही होगा, चाहे ये 100 साल लग जाए, 100 साल लग, हाँ ये 200 साल भी लग जाए, हो सकता है ये 10 सालों में हो जाए, लेकिन जब करेंगे काम करने वालों की इज्जत करेंगे, काम को अच्छा समझेंगे उस वक्त हम ये कर सकेंगे। तो कैसे देख रहे हैं अजय बंगा जो अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए, इनको क्या कहेंगे? इनको क्या कहना है, ये जो इंडियन है इनको यही कहना है कि आपने काम किया, आप किसी चीज में मार होंगे, अप्रिशिएट आपको करते हैं, आप काम करें। वर्ल्ड बैंक पहले भी गुर्बत वगैरह के लिए जो पाकिस्तान को कर्जे देता है वो देंगे, वो हमें तो कर्जे ही मिलेंगे, और इंडिया वगैरह वो है ना वो उसको अप्रिशिएट ही करेंगे कि आपने मेहनत किया, आप इतनी आगे पहुंचे। कोई मैसेज देंगे लास्ट में? लास्ट में मैसेज मैं अपनी कौम को ही दूंगा, ठीक है, अपनी मुल्क को दूंगा और अपने मुल्क के सियासतदानों को दूंगा कि यार काम करें और काम करने वाले बंदे की इज्जत करें और उस पर मुकदमे ना बनाएं, ये इस तरह नहीं चलेगा। हाँ तो कम अज़ कम मुझे ना कल की एक होप हुई है, या आपको मैं एक बात बताऊँ, इंडिया का जब मैंने कल सुना है ना ये वज़ीर का बयान कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो अमरीका के लेवल का बनाएंगे, हाँ लेकिन नहीं बना सकते, अमरीका बहुत आ गया, लेकिन चलो 10-15% भी बना जाए तो बड़ी बात, ठीक है। और एक उन्होंने जो 80 एयरपोर्ट का जो है ना वो टारगेट दिया है, और टाटा कंपनी है ना वो बना रही है, उसने 900 पता नहीं कितने जहाज का सेल किया, दुनिया की सबसे बड़ी डील है ये वो कर रही है अपने जहाज,
तो मैं मुझे टाटा तो आगे अपनी हर चीज सुई से लेके गाड़ी तक जहाज तक अपनी चीजें बना रहे हैं। हाँ, वही ना, वो सारा बना रहे हैं। तो अब मुझे ये थोड़ी सी होप हो चली है कि इंडिया हमारे बिल्कुल साथ है, तो जब आपके साथ वाला मुल्क तरक्की करेगा ना, जारी बात है, वो कार तो उसने लिया और भी करेगा, तो शायद हमें शर्म खा गए, हम भी थोड़ा सा उसको देखे, जैसे हम साये को देखे नहीं यार, हम साये के बच्चे पढ़ गए हैं यार, मैंने भी पढ़ाने हैं, नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही चीजें देखते नहीं, अगर वो देखे वो देखेंगे नहीं, फिर भी थोड़ा सा असर ना पड़ जाएगा। हाँ, ये जिस तरह हम साये का ना गली में होता है ना यार, इसके लड़के पढ़े हैं, अच्छे हैं, काबिल है, कोई हाफिज़ कुरान है, कोई ये है, तो हम बता साथ वाला घर वाला जैसा भी हो ना, वो उसकी कोशिश जरूर होती है कि यार मैंने भी अपने बच्चों को इस तरह ही करना है, तो हम शायद वो साथ वालों को देख के शायद कुछ सीख जाए। ओके सर, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता है, अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि जे बंगा जो एक इंडियन है और सिख है, उन्हें आज जो बाइडन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने उन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट कर दी हुई है, इस पे क्या कहेंगे? अगर हम बात करें ऋषि सुनाक, वो यूके के प्रेसिडेंट हैं, अगर हम बात करें निकी हेले जो 2024 में प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं इसकी यूएसए की, अगर हम बात करें सीईओ, यूट्यूब का सीईओ जो है वो इंडियन है, गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, आपको क्या, आप मुझे बताइए इस पर क्या देख रहे हैं कि हर जगह पे सीईओ इंडियन है, प्रेसिडेंट इंडियन है, क्या आप देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान क्यों नहीं की ऐसी चीज़ लेकर कि पाकिस्तान के अवाम जो ये चीज़ें सोचे? असल में बेसिकली इस तरह है कि हमारी अवाम में शौर नहीं है, हमारी अवाम चाहती नहीं कि हम कोई इस तरह के लेवल पे बैठे हैं, गुर्बत ख़त्म होगी, अवाम में कोई शौर पैदा होगा तो फिर इस तरह की चीज़ें लोग सोचेंगे। फ़िलहाल हमारी अवाम को सियासत ही नहीं जान छोड़ने दे रही उनकी, वो अब इमरान खान साहब ने वो तहरीक चलाई हुई है जेल भरो तहरीक, अब वो ये तो चलो समझ में आता है ना कि ये सियासतदान खुद ये इस तरह के जो मामलात हैं वो खुद करें, अवाम अब करेगी तो पार्टी क्या सपोर्ट करेगी उनको? बात करने का मकसद ये है हमारी अवाम में शौर नहीं है, जब तक शौर नहीं पैदा होगा फिर इस तरह की चीज़ें नहीं हमारे में पैदा हो सकती। मुझे इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इंडिया बहुत तरक्की कर गया है, वो दुनिया का तीसरा मुल्क भी बन गया गाड़ियाँ बनाने में, वो नहीं वो उसने जापान को तीसरे में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा, इकोनॉमी में वो उन्होंने जापान को बीट कर दिया गाड़ियों में। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हमारी अवाम जब तक ये गुर्बत से बाहर नहीं आएगी, रोज़गार है नहीं है, तो बस इस तरह हमारे अवाम क्यों नहीं अपना माइंड सेट करती कि यार नहीं हो सकता हुक्मरान ही हमारे वैसे, जैसे वो कहते हैं ना जी, जैसे हुक्मरान वैसे जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, मैं आपको वही मैं बता मुझे ये बताएं हमारी अवाम क्यों नहीं अपना माइंड सेट करती कि यार हमने बाहर जाना है, हमने ये चीज़ों की तैयारी, हम किसी भी डिपार्टमेंट में चेयरमैन या किसी भी जगह पर चेयरमैन लगा, हम सीईओ लगा, वो क्यों नहीं सोचती? इंडिया ये चीज़ें पिक करता है, वो उनके जहन में ये नहीं होता। बेसिकली ये है कि हमारी अवाम जो सी है ना, हमारा बच्चा जो भी पैदा होता है उसे परवरिश इस तरह की मिलती है, ग्रुप्स बने हुए हैं हमारी जो अपना हर बंदे की अपनी पार्टी है, वो जैसी फिर वो अपना घर से परवरिश मिलनी है वैसी सोच इंसान की बननी है। आप कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे को बच्चा जो पैदा होता है उसकी सोच में डाल देते कि यार ये आपने सिर्फ लेबर की जॉब ही कर दी, नून लीग को वोट देना है, पीटीआई को वोट देना है और आपने बाहर जाके लेबर की जॉब करनी है, आपने कोई हाई लेवल पे नहीं बैठना, जैसे वो तमिल लोग जो उनसे इंडियन के वो बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं, मेरा दोस्त है दुबई में, वो जॉब करता है NPCC इस तरह की कोई कंपनी है, वो उसमें वो एज ए वर्कर काम कर रहा है हेल्पर, तो वो बताता है कि यार वो इंडिया के जितने तमिल लोग हैं साउथ इंडियन है वो सारे बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, और हम जो उनसे हैं पाकिस्तानी कतर में हो गए, तुर्की में हो गए, जिस मुल्क में भी हम हैं वो शादर नादर ही है कोई है, वरना वो सारे वर्कर हैं हेल्पर हैं बस हेल्पर। ये कोई मैसेज देंगे लास्ट में कोई पाकिस्तानी आवाम को कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज मेरा यही है कि यार अपने आप को चेंज करो, बदलो, बस बस। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वो आप लेके आए थे बैग, वो पड़ा हुआ है।